दुर्ग के न्यू आदर्श नगर स्थित अटल आवास में एक युवक ने घर में फांसी लगा ली, जहां घर वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर मामले की जानकारी पुलिस को दी। दुर्ग की पद्मनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू आदर्श नगर स्थित अटल आवास में निवासरत 20 वर्षीय शिव कुमार ने अपने घर में रस्सी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार जब आसपास में बदबू फैलने लगी तो घर वालों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, जिस पर भी दरवाजा नहीं खोलने से घर वालों ने दरवाजे को तोड़कर अंदर देखा तो मृतक युवक रस्सी से लटका नजर आया। आसपास में वहां पर फैली बदबू के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को दुर्ग जिला अस्पताल रिफर किया, जिसमें अब तक इस मामले में पुलिस को कोई कारण अभी तक नहीं चल पाया है। इस मामले में दुर्ग पद्मनापुर थाना प्रभारी राजीव तिवारी ने इस तरह की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज़ को दी है। प्रार्थी थाना उपस्थित अगर बताया कि उसका भाई जो है फांसी लगा लिया है, जिसकी जाँच हेतु प्रधान आरक्षक मोहन साहू को भेजा गया था, जो जांच कर वापस आकर बताया कि मृतक शिव कुमार यादव, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, जो अटल आवास न्यू आदर्श नगर में निवास करता है, जो दिनांक 30 तारीख को अपने घर गया और अपने माताजी से खाना के संबंध में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं बाहर से खाना खाकर आ गया हूँ, तो उसने भोजन नहीं किया था। उसके बाद से वह घर में किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। फिर कल दिनांक उसके घर वालों ने उसके दरवाज़ा को खटखटाया रात्रि करीबन 9 बजे, दरवाज़ा नहीं खोलने पर उन लोग घर वालों ने दरवाज़ा को तोड़ा तो देखा कि फांसी के फंदे पे लटका हुआ था, जिसमें मर्ग इंटीमेशन कायम का पंचनामा कराया गया है और शव को पीएम हेतु जिला अस्पताल दुर्ग रवाना किया गया और अभी उसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं आया है। ऐसा सुसाइड नोट अभी नहीं बरामद हुआ है। ब्रांड सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।